क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम के डिलीट चैट को रिकवर करना चाहते हैं? जैसे कि आपको कोई भी इंस्टाग्राम का ओल्ड चैट डिलीट हो गया है एंड आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है। और इसके लिए आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है आप लोग के इंस्टाग्राम में ही, इंस्टाग्राम अकाउंट में ही अवेलेबल है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम के डिलीट चैट को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम के मैसेज को ओपन कर लेना है एंड इंस्टाग्राम के मैसेज को ओपन करने के बाद यहाँ से एक चैट को डिलीट करके एंड उसी चैट को रिकवर करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के डिलीट चैट को कैसे पढ़ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ से आप इस चैट को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये चैट हमारा यहाँ पे ओपन हो गया एंड अब यहाँ से हम बैक आके इसको कर देते हैं डिलीट। देखिए, ये चैट हम यहाँ से कर दिए डिलीट। अब इसी चैट को रिकवर कैसे करना है, देखिए, इसके लिए सिंपली आप लोग को आ जाना है बैक एंड यहाँ से अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर आप लोग क्लिक कर देना है एंड यहाँ आप लोग को मिलता है सेटिंग एंड प्राइवेसी थ्रेड एंड यहाँ आप लोग को थर्ड में एक ऑप्शन मिलता है योर एक्टिविटी का। तो सिंपली यहाँ से आप लोग को योर एक्टिविटी में चले जाना है। देखिए, आप योर एक्टिविटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइक, कमेंट, टैग, आप लोग को यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है रिसेंटली डिलीटेड का। अगर कोई पोस्ट आपका इंस्टाग्राम पर से गलती से डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ से उसको रिकवर कर पाएंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ पे मैसेज रिकवर करना है। तो देखिए, उसके लिए आप लोग को करना क्या है, सिंपली यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है एंड ऊपर स्क्रॉल करते नीचे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ से आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ शो होता है ऑप्शन रिक्वेस्ट और डाउनलोड एंड इसके अलावा आप लोग ऊपर में और भी कुछ लिखा रहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड करते हैं अगर ज़्यादा लेट होता है तो 4 डेज़ के अंदर में आपके मेल पर आ जाएगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पर कुछ अलग टाइम शो हो रहा हो, तो यहाँ से आप इसको एक बार देख लीजिएगा एंड यहाँ से रिक्वेस्ट और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग को फेसबुक अकाउंट अगर आपके इंस्टाग्राम से लिंक है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको यहाँ से अनटिक कर देना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे टिक रहने देना है एंड फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोगों को 2 ऑप्शन होगा, एक कंप्लीट कॉपी का। देखिए, कंप्लीट कॉपी पर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का कुछ ऐसा इंटरफेस हो रहा है। कंप्लीट आपका कॉपी में ये हो गया कि आप लोग का एक दिन का जैसे टोटल चैट मैसेज या फिर आप किसी को पोस्ट पर कमेंट किए हैं टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से आ जाते हैं बैक एंड यहाँ आप लोग को जो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन का, आप इसमें जैसे आते हैं तो यहाँ आप लोग को कमेंट, मैसेज, गाइड, सेव्ड इवेंट, आप लोग को ऐसा ऑप्शन मिलता है अलग अलग। यानी कि अगर आप बस मैसेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को और भी सारा ऑप्शन मिल जाएगा तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से सिंपली अब मैसेज को कर लेते हैं टिक एंड मैसेज को टिक करने के बाद यहाँ से अब कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। देखिए, आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा एंड कुछ टाइम लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ आप लोगों को बोलता है नोटिफाई फॉर्मेट मीडिया क्वालिटी एंड डेट रेंज बोलता है। तो यहाँ पे आप लोग डेट रेंज में आप अपने हिसाब से डेट को चूज़ कर सकते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ से चूज़ कर लेना एंड यहाँ आप लोगों को बोलता है मीडिया क्वालिटी। तो मीडिया क्वालिटी आप चाहे हाई डाउनलोड कर सकते हैं, मीडियम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लो में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मीडियम ही रख लेते हैं एंड मीडियम करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से सबमिट कर देना है। देखिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप कुछ टाइम वेट करते हैं तभी आप लोग के मेल पे आएगा। तो यहाँ आप लोगों को कुछ टाइम वेट कर लेना है। देखिए, हम भी यहाँ पे अब कर लेते हैं वेट। देखिए, यहाँ आप लोगों को कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ मेल पे नोटिफिकेशन आ चुका है, योर मेटा डाउनलोड रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी प्रोग्रेस में। तो इस मेल को हम यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं एंड इसके जस्ट तुरंत बाद आप लोग को आ जाएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। देखिए, हम यहाँ से हम आ जा रहे बैक एक और, मेरा मेल अभी जस्ट आया है। यहाँ बैक आने के बाद देखिए, योर मेटा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड इज रेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अब हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को बोलेगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन जो कि ब्लू लाइन में होगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है एंड कोई भी ब्राउजर पे इसको ओपन कर लेना है। देखिए, आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को बोलेगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। तो आप जिस भी अपने अकाउंट का मैसेज को डाउनलोड करना चाहते हैं उसी अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए, यहाँ से अपने यूज़र नेम को फिल कर देते हैं एंड यहाँ से पासवर्ड को इंटर कर देना है। अगर आप अपना पासवर्ड को भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके भी अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अपने सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। देखिए, यहाँ से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो गया एंड इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, कुछ टाइम लोडिंग लेगा तो आप लोगों को वेट करना है। यहाँ मेरा जो फाइल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 MB का एंड यहाँ नीचे दिखा रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ से आप लोग डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को फिर दोबारा बोलता है पासवर्ड रीइंटर करने के लिए। तो यहाँ आप लोगों को दोबारा से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड को एंटर कर देना है। देखिए, यहाँ से हम पासवर्ड को इंटर कर दिया एंड पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए, आप लोग का फाइल डाउनलोड हो गया। बट क्या है, अगर आप इसको अभी ओपन करते तो आप लोग का ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये अभी ये है जिप फाइल है। तो इसके लिए देखिए, आप लोग को अब करना क्या है जिप फाइल को अनजिप करने के लिए। इसके लिए सिंपली आप लोग को प्ले स्टोर पर आ जाना है एंड वो फाइल अनजिप जिप या फिर अनजिप आप लोग को सर्च करना है, जिससे कि आप लोग के सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो कोई भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देखिए, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए
एंड यहाँ से आप ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा एंड यहाँ आप लोग को बोलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अभी अभी जो फाइल डाउनलोड की है वो फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिर सिंपली आप लोग को फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए आप एक्सट्रैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग को फोल्डर में लेके चला जाएगा कि आप इस फाइल को कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपना कोई भी फोल्डर को चूज़ कर लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ से कैश फोल्डर को चूज़ कर लिए हैं। एंड चूज़ करने के बाद देखिए मेरा वहाँ पे ये हो चुका है एक्सट्रैक्ट। अब सिंपली अब आ जाते हैं यहाँ से हम बैक, एंड बैक आने के बाद ये कैच जो फाइल में हम सेंड किए थे इसको हम कर लेते हैं अब यहाँ से ओपन। देखिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लिए, एंड ओपन करने के बाद यहाँ मेरे सामने टोटल चैट ओपन हो गया। ये मतलब जो लास्ट वीक में हम जितना कोई से भी चैट किए हैं टोटल चैट यहाँ पर ओपन हो गया। एंड जो अभी हमने मैसेज को डिलीट किया था वो चैट मुझे देखिए सबसे एंड में दिख रहा है यहाँ पर। अब सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से को फाइल को ओपन कर लेते हैं। देखिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से क्रोम पे इसको ओपन कर लेना है। देखिए इस फाइल को क्रोम पे जैसे ओपन किया मेरा तो मैसेज वहाँ से डिलीट हो गया था, बट यहाँ पे टोटल मैसेज मेरा शो हो रहा है, जो कि आप लोग इस तरह काफ़ी इजी वे में अपने भी इंस्टाग्राम पे डिलीट चैट को रिकवर कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं यहाँ से कि आपने किससे कब क्या क्या चैट किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह अपने इंस्टाग्राम पे डिलीट चैट को रिकवर कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो चला तो लाइक कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में।